व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का पुरस्कार। कभी कभी कुछ विलंब अवश्य होता है, परंतु वो भी एक परीक्षा होती है। इसलिए निराश ना हो, अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जाओ शनि, शनि मैं तुम पर अति प्रसन्न, तुमने मुझे धन्य कर दिया। एक बार पुनः यह सिद्ध कर दी कि तीनों लोकों में कर्म फल दाता बनने के लिए तुमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। परंतु यह विष तुम्हारे लिए नहीं है, इस विष का पान करना मेरा कर्म है। आपका कर्म? आशन, कर्म और विचार एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे विचार वैसे कर्म, और वैसे ही उनके फल। मंथन का विचार त्रिदेव का था, इसलिए उससे निकले विष पर भी त्रिदेव का ही अधिकार है। हम सृष्टि के संचालन और रक्षण के लिए उत्तरदायी, इसलिए इस विष का पान करना मेरा कर्तव्य भी है और कर्म भी। मुझे इस हलाहल का सेवन करना ही होगा शनि, संसार को यह विश्वास दिलाने के लिए कि जिस प्रकार सागर मंथन अमृत से पहले विष निकलता है, उसी प्रकार आत्म मंथन की प्रक्रिया में मन की शुद्धि से पहले मन का विष अर्थात पूरे विचारों का निकलना अनिवार्य है। परंतु यह हलाहल है महादेव, इसके दुष्प्रभाव से आप नहीं बच पाएंगे। मैं चिंतित नहीं हूं नारायण, मत भूलिए मैं अकेला नहीं हूं, मैं आधा हूं। अपनी शक्ति के बिना यह शिव एक शव ही तो है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मेरी शक्ति मुझे संभालने के लिए, मुझे पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रकट हो जाएगी। वो अपने शिव को शव नहीं होने देगी।
मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी शक्ति, तुम सदैव मेरे साथ रहो मेरी पूरक बनकर। अलाहल ने महादेव को असंतुलित कर दिया, संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो रही। यदि महादेव संतुलित ना हुए तो सृष्टि का अंत निकट है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मेरी शक्ति मुझे संभालने के लिए अवश्य प्रकट हो जाएगी। ओ महाकाल, पूरी सृष्टि को संतुलित करते हैं उन्हें संभालने के लिए अब उनकी शक्ति को ही आना होगा। सत्य कहा था शनि, महाकाल जिसके बिना अधूरे वो महाकाली प्रस्तुत हुई। महाकाल की सहायक बनकर शंकर, वो जिसे शंका ना। और हे महाकाली, मुझे तनिक भी शंका नहीं थी
की आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरी सहायता के लिए नहीं आओगे। किसने महाकाल को विष पीने के लिए विवश किया? किसने? ये सब इनके कारण हुआ है। मैं इनका सर्वनाश कर दूंगी। रुक जाओ महाकाली। अमृत हो या विष, कभी अपने कर्म कभी अपने कर्तव्य के कारण हमें इन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। ये सब जो यहां उपस्थित है अपने अपने कर्म के कारण, और मैं यहां उपस्थित हूं अपने कर्तव्य के कारण। नहीं, मैं इनका रक्तपान करूंगी। शांत हो जाओ महाकाली।